कुलिजात पंचमी का एक वचन, लुखौ प्रथमा का द्विवचन, च अव्यय तीन पद है। कुलिजांतात् द्विगोः संभवत्यादिषु अर्थेषु लुखौ वास्तः। कुलिज शब्दांत द्विगु समासो व संभवत्यादि अर्थों में लुक् होगा प्रत्यय का, ख भी होगा एक पक्ष में, चात ष्ठन होगा चात ष्ठंश्च, और लुक् अभावे ठय श्रवणम, लुक् अभाव पक्ष में ठय का श्रवण भी हो जाएगा। अरे चार चार रूप बनेंगे। द्विकुलिजा शब्द है, कुलिज कहते हैं हाथ को, दो हाथों से पैदा, तीन हाथों से काम हुआ, तीन लोग लग गए, तीन हाथ कह दिया जाता है, एक आदमी को एक हाथ कह देते हैं, इसे द्विकुलिजी। जब लुक हो गया द्विकुलिजिना, जब खा हुआ ष्ठंश्च है ना, जब ष्ठन हुआ तो द्विकुलिजिकी, और ठय हुआ द्वई कुलिजिकी, वृद्धि हो गया। स्वस्य अंश वस्त्र भृतयः, स्वस्य अंश वस्न भृतयः, सा प्रथमेक वचनांत अस्य षष्ठी एक वचन, अंश वस्न भृतयः प्रथमा का बहुवचन। अंश मने भाग, वस्न मने मूल्यम, भृति का अर्थ है वेतनम, तीनों के साथ जोड़ेगा। स्वस्य अंश तदस्य वस्नम सास्य भृति, पंच अंश वसनम भृतिरवायती अस्य पंचक, जिसके पांच भाग है या पांच मूल्य है या पांच उसकी वेतन है उसको कहते हैं पंचक। अर्थ बदलता है फिर, तदस्य परिमाणम, तदस्य परिमाणम, तद्वितीय वचनांत अस्य षष्ठी एक वचन, परिमाणम प्रथम एक वचनांत है। परिमाणम अस्य, क्या परिमाणम अस्य, प्रस्थम परिमाणम अस्य, एक प्रस्थ परिमाण है इसका, इति प्रास्तिको राशि, उस राशि को कहते हम प्रास्तिक, ठय हो गया प्रास्तिक। आरादित्यत्र परिमाण का प्रदास होने से प्रागवतीय ठय प्रत्यय का रूप बना। संख्याया संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु, संख्याया संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु, संख्याया पंचमी के एक वचन, सप्तमी का बहुवचन है वो, संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु, तदस्य गणवृत्ति आएगा, पूर्व सूत्र अनुवर्तते। तत्र संज्ञायाम स्वार्थे प्रत्यवाच्य, वहाँ संज्ञा में स्वार्थ प्रत्यय समझना चाहिए, क्योंकि संख्यावाचक से संज्ञा हो नहीं सकता, संज्ञा संख्यावाचक से प्रत्यय करोगे उसका अर्थ संज्ञा बनेगा, इसका नाम पड़ेगा क्या, इसलिए जो है यहाँ कहते स्वार्थ कर देना। अथवा यद्वा द्वेक्योर इतिवत संख्या मात्र वृत्त है, द्वित्व एकत्व जैसे कह देते हैं, द्वेकयो और द्विवचन कैसे होगा, द्वेकयो द्विवचन इसलिए हो गया द्वित्वैकत्वयो, इसे व्याख्या होता है उसका, ठीक उसे यहाँ पर भी संख्या मात्र बोध कराने के लिए भाव में ले लो, परिमाणिनी प्रत्यय से परिमाणार्थ प्रत्यय हो जाएगा। तो आपने पहले कहा संख्या तो परिमाण से अलग है, और अब कह रहे हो कि नहीं संख्या परिमाण है। हाँ परिच्छेदकत्व भी सामान्य धर्म को लेंगे तो वो भी परिमाण हो जाएगा, पहले विचार आया था संख्या अलग क्यों लिया आपने, वो भी तो जो है परिच्छेदक है वो भी परिमाण है, तो कहते नहीं नहीं परिच्छेदक मानेंगे सामान्य तब सब परिमाण में आ जाएंगे, चाहे अनुमान हो है कि नहीं, चाहे आपका प्रमाण हो, सब परिमाण के अंतर्गत आ जाता है। सामान्य रूप से परिच्छेदकत्व लेंगे तो, और विशेष रूप से लेंगे तो नहीं होगा, तब परिमाण अलग हो जाएंगे, या सामान्य रूप से ले लो परिमाणी नहीं प्रत्यय, इसे पंचवि पंचका स्वार्थ पहले पहला पक्ष को दिखाया, पंच एवती पंचका कौन है वो,
पांच ही है जो शकुनयः पक्षियां, पांच पक्षियां हैं। पंच परिमाण में शाम द्वापक्ष में पांच है परिमाण जिसका, ऐसे ये शकुनिया है, शकुनिया रूप तो वही बनेगा, प्रत्यय तो वही रहेगा, विग्रह वाक्य अलग हो गया। पंच एव अथवा पंच परिमाण में शाम इति पंचकाः शकुनयः। संघर्त में दृष्टांत पंचकः, पंचत्वम अस्य संघस्य परिमाणम, इस समूह का जो है परिमाण कितना है, पांच है। संघस्य पंचत्वं तु अवयव द्वारा समझना चाहिए, संघ पांच क्या है माने अवयव द्वारा, पांच लोगों का यह संघ है, समूह है। सूत्रे दृष्टांतरे अष्टकम इति पाणिनीयम, संख्यावाचक शब्द अष्टन शब्द, उसे कन प्रत्यय करके अष्टकम बनेगा पाणिनीयम। अष्टौ अध्यायः परिमाणम अस इति विग्रह, अत्र अष्टत्वम अध्याय द्वारा सूत्रे अन्वेति, क्योंकि सूत्र शब्दस्य सूत्र संघ पर, सूत्र शब्द इसलिए हम सूत्र समूह पर ले लेंगे, क्योंकि एक सूत्र में अष्टगत व्यवहार नहीं हो सकता, इसे सूत्र समूह लेना पड़ेगा। पूरे सूत्र समूह को इकट्ठा कर लिए अर्थ सूत्र में घटा देते, फिर संघ कोटि में आएगा ना, फिर संघ शब्द से प्राणी समूह है रूढ़त्वात् सूत्रम प्रत्युपात्तम, देखिए संघ शब्द प्राणी समूह में हम रूढ़ रखते हैं, अजय सूत्रों के समूह को भी संघ नहीं कहा जाएगा। जैसे अभी आपने क्या बोला, सूत्रों का समूह लेना, एक सूत्र तो अष्टक नहीं हो सकता, सूत्र समूह लेना है तो संघ ले लो, तो संघ अर्थ में ही सूत्र अंतर्भाव हो जाएगा। तो कहते नहीं नहीं, संघ शब्द से हमेशा पशु समूह रूढ़ लिया जाता है, अजय सूत्र समूह उसमें नहीं आएगा, अतएव अलग से सूत्र ग्रहण करना पड़ा सूत्र में। सूत्रम प्रत्युपात्तम पंचकम अध्ययनम, पंचकम अध्ययनम, पंच आवृत्त परिमाणमस्य इति विग्रह, पंच आवृत्त परिमाणमस्य, जिस अध्ययन में हम पांच बार आवृत्ति करते हैं, पांच बार आवृत्ति करने से स्पष्ट याद हो जाता है बिना दोष का। हम लोग दो बार कर देते हैं, एक बार एक से गलती, दूसरा दूसरे से गलती, ये चार चार पांच बजे करने से सब संभल लेते हैं, सब ठीक बोलने लगते हैं। कोई तो आधा सूत्र ही बोल पाए, लंबा सूत्र के मान लो 10-20 विद्यार्थी हों, उसमें एक दो तो सोते रहेंगे, जब उच्चारण होता है तो आधे से बोलना शुरू करेंगे, वो तो होश आता है ना आधे के बाद ही। तो ऐसे समय समस्या हो तो पांच बार आवृत्ति कर दी जाती है, ऐसा अध्ययन को कहेंगे पंचका पंचदश पंचकम अध्ययनम। स्तोमे ड विधि, स्तोमे ड विधि, स्तोम अर्थ में संख्यावाचक शब्दों से ड प्रत्यय विधान करना चाहिए। पंचदश मंत्राः परिमाणमस्य, 15 मंत्र परिमाण है जिसका, ऐसा जो स्तोम है उस स्तोम को कहे ये पंचदश स्तोमः, पंचदशन था ड प्रत्यय, ड का बच गया, डिक्ता टिलोप हो गया, ड क्या कारण ला दिया, पंचदश बन गया स्वायत्पत्ति, पंचदश स्तोमः, सप्तदश स्तोमः, एकविंश स्तोमः, ड प्रत्यय तिलोप ये लाभ है यहाँ। इतने तो पंचदश सप्तदश इत्यादि में क्या है, तेह सूत्र है, उससे टीलोप हो जाएगा, तो क्या कर दे जरूरत है डित करने का, तो डित का फल यहाँ है, कहाँ एकविंश, एकविंशति ही परिमाणम मस्य, एकविंशतिता ओति पूरा लोप कैसा हो गया, ती विंशतेर डिति, विंशति का प्रतीक का लोप होता है डित प्रत्येक प्रत्येक, इसे डित करने का फल यह मुख्य रूप से दिख रहा है। ड प्रत्यय तिलोप सोमयागेशो छंदोगि क्रियमाणा पृष्ठाय संचिका स्तुति स्तोमः। इतना ही नहीं, 15 मंत्र वाला समूह को ही केवल स्तोम नहीं कहेंगे, बल्कि वास्तव में याज्ञिकों में प्रसिद्ध यह है स्तोत्रों को कहा जाता है, पंचदश स्तोम वाला स्तोत्र है,
सप्तम वाला स्तोत्र है, एक विंशत स्तोम वाला स्तोत्र है, त्रिवृत स्तोम है, ऐसा अलग अलग संज्ञाएं वे प्रयोग करते हैं। सोमयाग में छंदोवों के द्वारा क्रियमाण पृष्ठाय संचिका स्तुति, पृष्ठाय संचिका पृष्ठ स्तोत्र है ना, प्रातः सवन स्तोत्र, प्रातः सवन में पृष्ठ स्तोत्र रहेगा, आर्भोपमान और आगे आज्य स्तोत्र और यज्ञ यज्ञ स्तोत्र। सुबह में पृष्ठ स्तोत्र है, आर्भव स्तोत्र है पवमान और यज्ञ यज्ञ स्तोत्र है आपका, अलग स्तोत्र होते हैं, पृष्ठ आज्य यज्ञ यज्ञ पवमान में तीनों पवमान अलग होता है, प्रातः काल अलग, सायंकाल अलग, मध्यान्ह का अलग, तीनों अलग अलग पवमान होते हैं। पंक्ति विंशति त्रिंशत् चत्वारिंशत् पंचाशत् षष्टि सप्तत्यशीति नवतिशतम्। पंक्ति विंशति त्रिंशत् चत्वारिंशत् पंचाशत् षष्टि सप्तत्यशीति नवतिशतम्। पंक्ति विंशति त्रिंशत् चत्वारिंशत् पंचाशत् षष्टि सप्तत्यशीति नवतिशतम्। एक पद है, प्रथम एक वचनाथ ने अपसंग कर दिया समूह में समाहार द्वंद मान के। एते रूढ़ी शब्दानि पात्यन्ते, सब रूढ़ी शब्द है, इनका विग्रहवाक्य भले हम समझाने के लिए बोल देंगे किंतु वास्तव इसके विग्रहवाक्य होते नहीं, रूढ़ी शब्द है, निपातन से इन सबको बना देते हैं। प्रत्यादि की यहाँ कल्पना की जाएगी, पंच पादाह परिमाणमस्य पंक्ति बनेगा, पंच पादाह परिमाणमस्य इत्यर्थ में पंचम शब्द से त्रिप्रतिभा, प्रकृति अट्टी भाग का लोप, चकार को कुत्व, अनुस्वार प्रसरण होकर के पंक्ति रूप बना, ये सब छांदस ये टोटल हो रहा है निपातन से। पंच पंचाक्षरा पंच पादा पंक्ति ही काव्य, पंचाक्षरा पांच अक्षर वाले पांच पादों में पंक्ति छंद होता है, ने कुल श्लोक में 25 अक्षर होगा, पांच पंजा 25, ऐसे छंद शास्त्र में भी कहा गया। दशानाम वर्गो इति दशत पंचदशत वर्गेवा, आगे सूत्र आएगा, द्वौ द्वशतौ परिमाणमस्य संघर्षेति विंशति ही, यहाँ क्या हो गया, शतिच प्रत्यय निपातन से प्रकृति को विन भाव आदेश हो गया और विन के नकार को अनुस्वार कर दिए, अत्र संघ ग्रहण अर्थ अनुवर्तते तथा च गवां विंशतिरिति भवति संघ संगिनोस तादात्योक्षायां तो विंशतिर्गाव, ऐसा भी प्रयोग हो जाता है। स्वभावाद एक वचनम स्त्रीत्वंच, विंशति शब्द स्वभाव से ही एक वचन रहेगा और स्त्रीलिंग वाला होगा, एवं त्रिंशदादावपि त्रिंशत इत्यादि सकल शब्दों में भी ऐसे ही समझ लेना है कि कहा गया है विंशत्याद्या सदैकत्वे संख्या संख्येय संख्ययो हो तासु चान अवते स्त्रियः इति चामर, ये सब अमरकोश के श्लोक है। त्रयोदशत परिमाणमसि संघस्य इति त्रिंशत्, यहाँ शत प्रत्यय हुआ, प्रकृति का त्रिन भावादेश और अनुस्वार हो गया त्रिंशत। चत्वारो दशतः परिमाणमस्य इति संघस्य चत्वारिंशत्, यहाँ भी शत प्रत्यय हो गया, प्रकृति का चत्वारिन भाव नकार को अनुस्वार। पंचदशत परिमाणमस्य, पांच जो है दस दस का वर्ग है जिस पर जिसका, ऐसा संघ को पंचाशत, यहाँ विशत प्रत्यय प्रकृति को पंचादेश। षड दशतः परिमाणमस्य संघस्य इति षष्टि, ति प्रत्यय व प्रकृते शश और जस्त भावश्च, जस्त का अभाव कर दिया। सप्त दशतः परिमाणमस्य संघस्य इति सप्तति, यहाँ ति प्रत्यय व प्रकृति को सप्तादेश हो गया। अष्टौ दशत परिमाणमस्य संघस्य इति अशीति ही, यति प्रत्यय और प्रकृति को अशी यह आदेश हो जाता है। नव दशत परिमाणमस्य इति संघस्य नवति ही, ति प्रत्यय और प्रकृति को नवादेश, नवंता नवन को नवादेश हो जाएगा, जब नांत थे नांतों को अदंत कर दिया सब जगह, सप्तन को सप्त, अष्टन को अष्ट, नवन को नव, दशन को दशा आदेश हो जाता है। एतत् सर्वं भाष्य स्पष्टम्, एतानि अवित्पन्न प्रातिपदिकानि इति तु
भाष्य निष्कर्ष ऐसे भाष्यकार का निष्कर्ष लिए ये सब जब व्युत्पन्न प्रातिपदिक के रूढ़ प्रयोग होंगे। पंचदशत वर्गे पंचदशत वर्गे पंचदशत प्रथमा का द्विवचन वर्गे सप्तमी एक वचन वे पंच परिमाण मसीति पंचत वर्ग को बोलते हैं। यह दशा परिमाण मसीति दशत वा कह दिया पक्ष भय इसलिए पंचक दशक कन प्रत्यय करके भी रूप बनेगा पंचदशवा परिमाणम अस्य वर्ग सीति इधर निपातन से हो गया। पंच परिमाण अर्थ में क्या होगा पंचन शब्द से डति प्रत्यय कर देना डति में क्या बचेगा अत पंचन अत टित्वा टिलो पंच हल रहेगा अत है मिला दो पंचत बनेगा। इसी प्रकार दशत में भी डति प्रत्यय कर देंगे हो जाता है। एकार उच्चारण अर्थ है तेह सूत्र के द्वारा टीका लोप होगा और डति प्रत्यगत मिला दो रूप बन जाएगा पंचदशत। आदि टीका देखिए कुलिजाल लुक खाउच द्वई कुलिज की थी असंज्ञा शाणी इत्यत्र कुलिज शब्दोपि इष्यते असंज्ञा शाण कुलिजानाम ऐसे वहां पर इत्युक्त नोत्तर पदवी तीसरे उत्तर पदवृद्धि नहीं हुआ द्वई कुलिजिकी नहीं तो द्वई कौलिजिकी हो जाता तेन उत्तर पदवृद्धि न इत्याहु तदस्य परिमाणम यह परिमाण शब्द है ना परिच्छेद का मात्र क्रियते न तो सर्वतो मानमेव उत्तर सूत्रे संख्या यह परिमाण है न विषाणात क्योंकि अगले सूत्र में संख्या को भी परिमाण रूप से विशेषित किया गया है। स्वस्थिति वर्तमान है पुनः तदस्यति ग्रहणात् द्वे षष्ठी जीवितम परिमाणम अस्य इति द्विषाष्टिक त्रिषाष्टिक इत्यादौ अध्यर्थिति लुंग न भवति स्वस्याय राता यहाँ पर भी चलता तदस्य से स्व का जो प्रणाम कर लेते थे एक वचन में भले तो क्या उनका ग्रहण किया इसलिए कि ऐसे स्थलों में भी लुक जो प्राप्त था लुक न हो गए। द्वे षष्ठी जीवितम परिमाणम अस्य द्विषाष्टिक त्रिषष्ठी जीवितम परिमाणम अस्ति त्रिषाष्टिक इत्यादियों में अध्यर्थित सूर से प्राप्त लुक न होवे इसके लिए कहना पड़ा। स्पष्टं चेदं काशिकादौ काशिकादियों में बात स्पष्ट है। पूर्व सूत्रमिति तेना पंचगाह परिमाणमस्य परिमाणमस्य एक मकार नहीं है यहाँ पर परिमाणस्य परिमाणस्य यह परिमाणमस्य ही ऊपर भी सब जगह परिमाणमस्य है परिमाणस्य भी ले सकते परिमाणमस्य ज़्यादा अच्छा कि परिमाण शब्द का षष्ठी ले लो परिमाणमस्य करें परिमाणस्य सीधे कह देते हैं लेकिन वो उचित नहीं है। परिमाणमस्य करना ही ठीक होता है क्योंकि अर्थाधिकारी है ना तदस्य परिमाणम पंचको गो संघ इत्यादि सिद्ध्यति इत्यादि रूप सिद्ध हो जाता है। यदा तो प्रकृत्यर्थ से परिच्छेदिका संख्या पंच गावस्य संघ सीति प्रकृति साक्षात परिच्छेदक हो जाए तदा तो प्रत्यय न भवति प्रत्यय नहीं होगा कि परिमाण से प्रत्यार्थत्व भावात कि परिमाण यह अर्थ प्रत्यार्थ कोटि में नहीं है। ये तच्च आराध्य गोपुच्छेति सूत्र कयते स्पष्टां अस्वार्थ में उदाहरण पहले दे रहे हैं पंचवीति रेद्वा करके संघ अर्थ ने भी वहां मूल में दिया हुआ है। यादशत संख्या संख्ये अच पंचन शब्द संख्या पर के रहेगा और संख्या का बोधक हो जाएगा संख्या वृत्तित्व ना पंच परिमाणम इति सामान्यकरण का कैसे प्रयोग हो गया अनुपत्य है अतः संज्ञायाम स्वार्थ है एव संख्याया प्रत्यय इति परिस्थिति भाव इसे संख्या जो है शब्दों से स्वार्थ प्रत्यय संज्ञा बोध कराने के लिए प्रयोग करना ही होगा। बालनुरमा मेद्वा द्विशब्दस्य एक शब्दस्य च संख्ये वृत्तित्वेपि द्वेक वृत्ति समास वृत्तौ एकत्व द्वित्व परत्वम अपिगम्यते यदि द्विशब्द एक शब्द संख्या ही परक होते क्योंकि आपका नियम है आदशतः संख्या ही परक है
फिर भी यहाँ समास करने के लिए, द्विवचन लाने के लिए पाणिनि ने उनको द्वित्व और एकत्र रूपी संख्या पर खी लिए हैं। अतएव हम भी आप प्रयोग कर सकते हैं, अतः स्वार्थ में अन्यथा द्वेकैरिति द्विवचन पत्ते तद्दत पंचका आशकुन तरितवृत्तोपि पंचम शब्द से पंचत्व संख्या परतया पंचत्व परिमाणम असीति सामान्यकरण स्वीकृत्य पंचत्ववाचिन पंचम शब्दात पंचत्व रूप परिमाण परिमाणवती द्रव्ये मैंने शकुन अर्थ में प्रत्यय उपपद्यते इत्यर्थः प्रत्ययकरण उचित है। तत्र संज्ञायां स्वार्थे पदार्थे पंचवैति पंच परिमाणमिति पंचत्वार्थ में तत्वोदनी स्तोमेट विदरिति डिद करणम एकविंश इत्यत्र टीलोपार्थम त्रयस्त्रिंशादौ टीलोपार्थञ्च पंचदश मंत्रा इति साम्नास्त्वीत एकम साम त्रिचक्रियते इति श्रुति तद त्रिचस्य पंचकृत्वा आवृत्या पंचदश मंत्राः उत्तृच को पांच बार आवृत्ति कर तो पंद्रह हो जाएगा। आवृत्ति करने भी तरीका है, कैसे करना है, ऐसे सीधे नहीं करता आवृत्ति। एक था एक को आपने एकम साम त्रिचे क्रियते एक साम को त्रिच में किया जाएगा। त्रिच का मतलब क्या, तीन ऋचाओं में किया जाएगा एक साम का गान, और त्रिच को फिर पांच आवृत्ति कर दो हो जाएगा वो पंद्रह। इस तरह से पंद्रह ऋचाओं में जो साम गान किया जाए उसका नाम एक स्तोम हो जाता है। ऐसे सप्त इत्यादि भी समझना है। सप्तदशे स्तोमे अंत्याया ऋच सप्त कृत्व आवृत्ति, तो सत्रह कैसे करोगे, अंत्य जो ऋचा है उसको पांच बार न करके सात बार कर दो, दो बढ़ जाएगा। सभी को पांच बार कर रहे हैं, अंत वाले को सात बार कर दो बढ़ गया, उसे सत्र संख्या पूरी हो जाएगी। प्रथम मध्यम योस्तु पंचकृत्व एकविंश स्तोमे तो त्रिचस सप्त कृत्वा आवृत्ति इति ज्ञेयम्, ऐसा याज्ञिकों में प्रसिद्धि है। छंदो गैरिधि साम गैरित्यर्थ पंक्ति विंशति सूत्र तदस परिमाण इति वर्तते पंचम शब्द से टीलोप ती प्रत्यय चौकु इति कुत्वम् पंच पदानि परिमाणम अस्ति पंक्ति छंद इति काशिका पद शब्दो अत्र पाद पर्याय इति हरदत्त पंच पदानि कर्त पंच पादानि करके लेना चाहिए ऐसा उनका कहना है। रूढ़ी शब्द इति तथा चत्र नावयवार्थे अभिनिवेष्टव्याम, अवयवार्थ में ज्यादा जोर नहीं समझना। पंक्ति शब्दों ही नाना अर्थ और पंक्ति शब्द भी अनेक अर्थों में होता है। अस्ति क्रम सन्निवेशे ब्राह्मण पंक्ति ही ब्राह्मणों की पंक्ति है, पंगत है ये, दूसरा नहीं घुसेगा, वहाँ भी पंक्ति कहा जाता है। पंक्ति में खड़े हो जाइए, एक लाइन में खड़े हो जाओ, इधर उधर मत घुसो, वहाँ भी पंक्ति बोल रहे हैं। ब्राह्मण पंक्ति पिपीलिका पंक्ति इत्यादि अस्ति च दश संख्यायां पंक्तिर पंक्तिरथ इति, और दश संख्या में भी पंक्तिरथ ऐसा प्रयोग भी देखा गया। दशरथ इत्यर्थ पंक्तिरथ का अर्थ क्या है, दशरथ होता है, दश संख्या ले लिया पंक्ति से, इसे पंक्तिरथ का अर्थ हो जाएगा दशरथ। अस्ति छंदो विशेषे यस्य पंचाक्षराः पंचपादाः पांच अक्षर वाले एक पाद, ऐसे पांच पाद वालों को एक छंद विशेष में भी पंक्ति शब्द का प्रयोग होता है। तथा छंदो विशेषे एव अवयवार्थो नान्य तृतीबोध्यम, इसलिए अवयवार्थ जो घटाएंगे छंद विशेष में ही घटाना, अन्य अर्थों में अर्थ अवयवार्थ नहीं लिया जाएगा, रूढ़ किया जाएगा। द्वयोर दशतोर इति विन भाव शतिश प्रत्यय अपदत पंच पसंज्ञा नहीं रहेगा। द्वौ दशतौ परिमाणम अस्य इति विंशति रूप बनेगा। अपदत्व निपातनात् नकार से अनुस्वार, नकार को अनुस्वार हो गया, नहीं तो नकार का लोप ही हो जाता। विग्रह वाक्य है ना, आपने द्वयोर दशतोर ऐसे हो गया, या दो दशतौ आपने किया, वहाँ पर जो प्रत्यय आया था लुक हो गया है ना। सुबह जातो प्रातिपदिक हो, वो जो प्रत्यय लोग प्रसंग मानोगे भिन्न आदेश करने का फायदा ही नहीं, नकार लोप हो जाएगा।
इसे निपातन से भी नम किए हैं वो उसका पद संज्ञा नहीं रहेगा तो नलोप नहीं होगा किंतु अनुस्वार हो जाएगा। विंशति ही केचित तो विन भावम उक्त्वा अपदत्तं चिति न पठंती, विन भाव कह करके छोड़ देते हैं अपदत्त को नहीं बोलते हैं। त्रयाणाम दशताम इसी विग्रहवाक्य में तृण भाव सच्च प्रत्यय मतांतरे तो तृण भाव सीधे ही अनुस्वार वाले ही भाव आदेश कर देते हैं। त्रयोदशत परिमाणम से त्रिशत एवं चतुर्णाम में भी चत्वारी चत्वारिन आदेश हो जाएगा चत्वारिंशत बनेगा। पंचानाम में पंचा आदेश हो जाएगा से पंचाशत बनेगा। आभ्याम भी शत प्रत्यय में भी शत प्रत्यय चत्वारिंशत पंचाशत बनेंगे। षण्णाम दशताम इति शश और तिश्च प्रत्यय अपदत्पंच इसलिए षड दशद परिमाणम से में षष्ठी ही रूप बना उत्तीकोष्टुत्व हो गया। ततस् त्रिभ्योपि ति प्रत्यय इस आगे तीनों को ति प्रत्यय होगा षष्ठी सप्तति अशीति नवति। जिस षष्ठी में ति प्रत्यय हुआ आगे तीन कौन है सप्तति अशीति नवति यहाँ भी तीनों में ति प्रत्यय होगा। विग्रहवाक्य होगा सप्तानाम दशतामिति वहाँ सप्तादश होगा अष्टानाम दशतामिति वहाँ अशी आदेश होगा नवानाम दशता इति वहाँ नव आदेश हो जाएगा दशानाम दशतामिति शभा हो जाएगा और वो बनेगा शतम। तश्च प्रत्यय त प्रत्यय हो गया तो शतम बन जाएगा। दश दशत परिमाणम अस्ति बनेगा शतम रूप। पंचदशतौ सूत्र है इमौ दत्यंतत्वेन निपात्यते दत्यंतत्व निपातन कर देंगे और अर्थ क्या होगा उसका वर्गे अभिधेये वर्ग बोध करा रहा है। तदस्य परिमाणम इति अनुवर्त उसकी अनुवृत्ति भी रहेगी। दश परिमाणम असीति दशत पंच परिमाणम असीति पंचत ऐसे बनेगा। पक्षे यदि वाग्रहणात संख्या इति कन्नपि भवति इति भावा इसलिए एक बार में पंचकः दशकः विरूप बन जाएंगे। त्रिंशत् चत्वारिंशतोर् ब्राह्मणे संज्ञायां डन त्रिंशत् चत्वारिंशतोर् ब्राह्मणे संज्ञायां डन त्रिंशत् चत्वारिंशतोः षट्के द्विवचन ब्राह्मणे सप्तमी क्वचन संज्ञायाम सप्तमी क्वचन डण प्रथमा का एक क्वचन। त्रिंशत् चत्वारिंशत् इन शब्दों से ब्राह्मण अर्थ में ब्राह्मणे संज्ञायाम ब्राह्मण संबंधी संज्ञा अर्थ मान हो तो डण प्रत्यय हो जाएगा। डण है णित डकार डित अबचेगा णित्वात् वृद्धि होगी और डित्वात्तिलोप हो जाएगा। त्रिंशत् अध्याय परिमाणम येषां ब्राह्मणानां जिन ब्राह्मण ग्रंथों के 30 अध्याय परिमाण है उन ब्राह्मण ग्रंथों को क्या कहा जाएगा त्रैंशानी। देखो त्रैंशानी त्रिंशत था धन हो गया त्रिंशत का अतलोप हो गया आदिवृद्धि त्रैंश बहुवचन में त्रैंशानी। चत्वारिंशानी चत्वारिंशत में भी टीलोप हो गया डित्वा नित्वात् आदिवृद्धि चत्वारिंशत चात्वारिंश अमिला दिया बहुवचन में चात्वारिंशानि ब्राह्मणानि त्रैंशानि ब्राह्मणानि चात्वारिंशानि ब्राह्मणानि रूपन्ते हैं। नीचे दे रहा है देखिए तदस्य परिमाणम इस अर्थ में परिमाणिनी ब्राह्मणे वाच्ये त्रिशत चतुर्शद्याम दण स्यादित्यर्थः। ब्राह्मणम वेदेषु मंत्र व्यतिरिक्तो भागः ब्राह्मण भाग किसको कहते हैं जो वेद में ही रहने वाला वेदों का ही है मंत्रांश को अलग कर दो मंत्र से व्यतिरिक्त जो भाग है वेद का उसको ब्राह्मण भाग कहते हैं। आ जाएगा कि मंत्र से अलग कर दूंगा हम मंत्र भाग को संहिता में रूढ़ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। त्रिंशाणी थी डित्वा टेह थी टीलोपा नीचे भी इतना ही का दर ज्यादा नहीं है। पंचदशतो इमौ दत्यंतत्वेन निपाते थे वर्ग विधेय हो गया था दश थी दश परिमाणम से पक्षे थी त्रिंशत् चत्वारिंशतोः व्यत्ययेन पंचम्यर्थे षष्ठी द्विवचनम् इस सूत्र में व्यत्यय करके पंचम्यर्थ में षष्ठी का द्विवचन प्रयोग हुआ है।
चतुर्शतो ब्राह्मण इति पाठे तो समाहार दंदात पंचमी एक वचन करो यदि वहाँ चतुर्शत तो न कर तो और ब्राह्मण अलग कर दोगे तो पंचमी का एक वचन मानना पड़ेगा उसको। तो एक वचन कैसे हो गया, समाहार दंद मान लिया तभी एक वचन हो गया। यह ब्राह्मण संज्ञायाम इस षष्ठी समास है ना निर्दिष्टम उचितम, ब्राह्मणे संज्ञायाम ऐसे क्यों कहा, ब्राह्मण संज्ञाम करके एक साथ समास करके बोलते। तथा ही सती ब्राह्मण से चेत संज्ञा इति स्फुटी भवती, ब्राह्मण भाग का जो संज्ञा हो तो ऐसा स्पष्ट भी हो जाता। अन्यथा तो यस्य कस्यचित् संज्ञायाम ब्राह्मणस्य ब्राह्मणस्थे च प्रयोगे इति अनिष्टो अर्थ संभाव्यत, तथा मंत्रे भाषायांच दंड न सिद्ध्यत, इष्ट जसा इष्टवा भी है तस्माद इष्टानुरोधेन षष्ठ्यर्थ सप्तमीति व्याख्यायाम, और ब्राह्मणे में भी जो सप्तमी दिख रहा है वह षठ्यर्थ में सप्तमी समझ ब्राह्मणस्य संज्ञायाम ऐसा लेना ठीक रहेगा। ब्राह्मणे अभिधेयति तो काशिकयाम व्याख्यातम ऐसा उन्होंने व्याख्यान कर दिया है, यद्यपि सप्तमी रखा उन्होंने तो षष्ठी लेना ज़्यादा ठीक रहता है। तदर्हति तदर्हति तद्वितीय वचनांत अर्हति क्रियापद है, लब्धम योग्यो भवति इत्यर्थे द्वितीयांतात् ठयादयः स्युः, अर्हति मैंने लब्धम योग्यो भवति प्राप्त करने योग्य को यहाँ अर्हति बोलते हैं, इसे द्वितीयांत समर्थ संबंधों से ठयादि प्रत्यय हो जाएंगे। श्वेत छत्रम अर्हति श्वैत छत्रिकः, श्वेत छत्रम अर्हति श्वैत छत्रिकः, चांदी का छाता श्वेत छत्र बोलते, सफेद छाता, सफेद का सफेद कपड़े का छाता नहीं, बांटने वाले बांटते ना सफेद कपड़े का छाता ब्रह्मचारियों को, पीले कपड़े का छाता पीले वस्त्र वाले ब्रह्मचारी, लाल कपड़े का छाता सन्यासियों के लिए, एक कुंभ में बांटते सब फैशन चलता है कुंभ में, वो नहीं लेना है यहाँ पर। यहाँ तो मंडलेश्वरों की छाता होती ना ऊपर चांदी वाली सोने वाली, डुप्लीकेट चांदी डुप्लीकेट सोना होता है आजकल तो, कहाँ ओरिजिनल सोना रखेंगे, कल चोरी करके ले जाएंगे लोग मार करके। श्वेत छत्रिका रजत की छाता, यदि श्वेत छत्रिका रूप बनेगा अर्हति अर्थ में, छेदादिभ्यो नित्याम नित्यम आभिष्णम इत्यर्थ, छेदम नित्यम अर्थिति छैदिको वेतस, छेद करना छेदादिभ्य पंची बहुवचन नित्यम प्रथमिक वचन, छेद मैंने काटना रोज रोज काटने लायक पेड़ है ये, कौन बांस का पौधा, यदि वो रोज रोज नहीं काटते ये आज काट दिया उसका टुकड़ा करके दूसरे डाल दिया, वो भी वो बड़ा होगा तब ना काटेंगे, दो दिन में थोड़ी हो जाए, एक दिन में थोड़ी होगा रोज रोज काटोगे, व्यवहार ऐसा हो जाता है रोज काटने लायक है करके। छैदिको वेतसः छिन्न प्रवृढ़त्वात् के काटने के बाद फिर वो बढ़ जाता है और बढ़ते रहेगा, बल्कि बाई साइड से दो जड़ आएंगे वो जड़ से फिर बांस हो जाएंगे, ऐसे खूब होते हैं जितना काटे जाओ उतना होते जाए फैलते जाएंगे, वो जिसको काटा वो भी आएंगे और चार जड़ों से भी आ जाएंगे, एक बांस गाड़ दो फिर केले का भी लगभग यही हाल हो जाता है, एक केले के पेड़ लगा दिया अपने तो चार उधर होते जाएंगे फैलते जाएंगे फैलते जाएंगे, लेकिन बेकार होते ज़्यादा बढ़ने के बाद ना कुछ नहीं देते नपुंसक हो जाते फल नहीं जाते, पत्ते काम के लगा आता है। छिन्न प्रवृढ़त्वात् विराग विरंगंच विराग विरंगंच, गणसूत्र है विरागम नित्यम मरदि, विराग ही के है नित्य यह योग्य है मैंने वैराग्य प्राप्त करने योग्य है इति वैरंगिकः रूपनेगा, ठय हुआ विरंगा विराग को विरंग आदेश हो गया आदिवृत्ति वैरंग ठय को ठ को इको अकार लोप के वैरंगी का रूप बनता है। तदर्रति ठयादेति ठय उदाहरण तो प्रस्तम अर्दीति प्रास्तिक द्रौणिक इत्यादि उह्यम, आदिशब्द ग्राह्य से ठक उदाहरण आह श्वैत छत्रिक एवं खारीक सत्य शतिक सहस्र इत्यादि नहीं उदाहरितव्याणी,
छेदादिभ्यो नित्यग्रहणम् इह नित्यं कीडाजीविगयोः इत्यत्रैव महाविभाष्य प्राप्तस्य वाक्यस्य निवृत्त्यर्थं न भवति। जैसे अन्यत्र नित्य जो ग्रहण किया महाविभाष्य को बाधने के लिए, वैसे यहाँ नहीं है। इसे आरंभ सामर्थ्य देव तन निवृत्ति सिद्धे, आरंभ सामर्थ्य निवृत्ति सिद्ध हो रहती, किंतु प्रत्यार्थ विशेषणम इति ध्वनयति छेदम नित्यम अर्ति, नित्यम अर्ति अर्थ के साथ नित्यम को जोड़ दिया, प्रत्यार्थ में जोड़ दिया नित्यम को, कार्य में नहीं क्रिया में नहीं, विकल्प से प्रत्यय हो मैंने नित्य प्रत्यय हो ऐसा अर्थ नहीं, नित्यम अर्ति के साथ जोड़ दिया। भाष्य तो नित्य ग्रहणम प्रत्याख्यातम, देखिए प्रत्याख्यान कर दिया उन्होंने तो, सूत्रमेव मास्तु इति तदाशिति मनोरमा, सूत्र ही न हो ऐसा कह दिया। इसका भाव और विस्तार देखेंगे।